हाय एवरीवन, तो अभी मैं और मंजीत ट्रिप पे जा रहे थे, तो मैं ट्रिप के बीच में पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो देखो, मैं ज्यादा वीडियो में नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैं टॉपिक मेरा ये है, अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो रात बिरात, अगर आपने गलती से सुनसान रास्ता ले लिया और गाड़ी खराब हो गई, तो आप उस केस में क्या करोगे, कैसे डील करोगे, ठीक है? तो वन बाय वन स्टेप्स बता जाऊंगा। तो बेसिकली मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि एज ए प्रिकॉशंस आप क्या रखोगे, ताकि अगर ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाते तो डील कैसे करना है, ठीक है? नंबर वन, अगर जरूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो रात को निकलना ही मत। सुनसान तो बाद की बात है, रात को निकलना ही मत, ठीक है? हाय एवरीवन, आज मैं और मंजीत ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वही मेरा फोन होल्ड कर रहा है। तो मैंने सोचा कैसे वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास टॉपिक था कि अगर जैसे हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम तो दोनों हैं, लड़के हैं, लेकिन अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो और लेडीज लोग भी साथ हैं, सुनसान रास्ते पे अगर कहीं कोई गाड़ी खराब हो जाती है आपकी, तो कैसे डील करना है या फिर कैसे अवॉइड करना है, क्या प्रिकॉशंस आप इससे ले सकते हो, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है सो यू कैन हैंडल इट और एटलीस्ट यू कैन अवॉइड इट। तो नंबर वन चीज यही होती है, अगर जरूरी नहीं है रात को निकलो ही मत, ठीक है? उस चीज को अवॉइड करो। फिर भी जाना पड़ रहा है, कोशिश करो कि रात होने से पहले, दिन ढलने से पहले अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है? नंबर टू, थर्ड, हो गई रात, ठीक है, ऐसा रास्ता कभी चूज मत करना जिससे आपको 5 किलोमीटर छोटा पड़े। मैंने देखे हैं लोग जो शहर वाले होते हैं ना, खासकर जो आईटी जॉब वॉब वाले होते हैं, देखो नो ऑफेंस, बट क्या होता है कि जिस बंदे ने सीएनजी लगवा ली होती है ना, फिर वो दो दो चार चार पांच पांच किलोमीटर देखते हैं, तो वो रिस्क ले लेते हैं खराब रास्तों से जाने का, क्योंकि वो 5-10 किलोमीटर सस्ता पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो ऐसे रास्ते कभी मत लेना जो आपको छोटे पड़ रहे हैं, सुनसान पड़ रहे हैं, या भाई आप मान लो 15-20 रुपए का टोल बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे हो, तो वो सब मत करना, अच्छे रास्ते लेना। सुनसान रास्तों में ना कोई असिस्टेंस मिलती है, गाड़ी खराब होने के चांसेस और होते हैं, क्योंकि रोड कंडीशन जो है खराब होती है। अब गाड़ी खराब हो गई, सबसे पहले गाड़ी खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, नंबर वन जो होता है गाड़ी पंक्चर होती है। अगर गाड़ी पंक्चर हो गई है, कीप अ टायर इन्फ्लेटर इन योर कार, क्योंकि अगर फैमिली है, लेडीज लोग हैं, 2 से 3 बैग उनकी साड़ी की वजह से ही हो गए, तो अगर डिक्की भरी हुई है, अंदर 5 लोग बैठे हैं, ऑब्वियसली अगर आप स्पेयर टायर गाड़ी का निकालोगे, सारा सामान निकाल के रोड पे रखोगे, फिर टायर निकालोगे, फिर लगाओगे, फिर सारा सामान अंदर रखोगे, आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया, लग गया। अब क्या होता है, अगर टायर इन्फ्लेटर है, कुछ भी कोई सामान नहीं निकाला, डिक्की खोली, साइड में रखा है या बीच में रखा है, हवा भरी, विद इन 5 मिनट्स आप वहां से जा सकते हो। ये चीज है ताकि आप ऐसे सिचुएशन से बच सको, ठीक है? दूसरा, अपनी गाड़ी में फ्यूल की कमी मत रखना कि ठीक है भरवा लेंगे, अभी तो दूर है, चली जाएगी, पंप आ जाएगा, नहीं ऐसा मत करना। मेरे साथ हो चुका है ये भी एक्सपीरियंस कि बिल्कुल ब्लिंक करने लग गई थी और मैंने 25 किलोमीटर निकाल दिए थे और कोई पंप नहीं आया था, वो बहुत मुश्किल से आया था, तो तभी मैं बता रहा हूँ, फैमिली के साथ था। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो फ्यूल गाड़ी में भरवाते रहना चाहिए रात के टाइम तो बिल्कुल, ठीक है? ये हो गया। अब गाड़ी अगली किसी वजह से अगर खराब होती है, तो सबसे पहले तो अगर लेडीज लोग हैं, गाड़ी की लाइट्स बंद कर देना अंदर वाली, ठीक है, ये ऑफ कर देना, ताकि अगर बाहर कोई है तो उसकी नजर गाड़ी के अंदर ना पड़े। ज्यादा फोन वोन यूज मत करना, अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देना, ताकि किसी को पता लग जाए गाड़ी खड़ी है। किसी को जान पहचान वाला अगर आसपास है, उसको कॉल कर देना, उसको मैसेज कर देना कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, हेल्प अस, तो वो दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएंगे। अपनी गाड़ी छोड़ो, वहां से निकलो, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अपनी सेफ्टी गाड़ी से पहले हो गया। अब ऐसा कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो ऐसा मान लो कॉल आ नहीं सकता है, तो कॉल पे पूछ लो भाई ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी हीट हो गई, क्या करना चाहिए। क्योंकि अपना बताता हूँ, हमारे एक रिश्तेदार आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हमने मैकेनिक को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बत्ती आ गई, तो मैकेनिक ने बताया कि भाई इंजन के ऊपर पानी डाल दो, गाड़ी हीट हो गई है, एसी बंद कर दो, विंडोज नीचे कर दो और गाड़ी को ले आओ, गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी आ गई थी। तो ऐसे किसी की ओवर द कॉल हेल्प ले लो कि ऐसे ऐसे अगर भाई कोई भी मान लो कोई भी दिक्कत आती है, तो ये चीज आप कर सकते हो। पुलिस को कॉल कर सकते हो, कोई रोड साइड और कोई असिस्टेंस नंबर है उसको कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर काफी सारे होते हैं उनको कॉल कर सकते हो। अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी में लट रख सकते हो, लड़के लोग हैं, अगर लड़के पेपर स्प्रे आप रख सकते हो, कुछ ना कुछ मतलब एज ए सेफ्टी गियर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज है तो ठीक कर लो, नहीं है तो भाई देखो कुछ नहीं कर सकते, मैकेनिक भी आप नहीं ढूंढने जा सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ढूंढने चले गए, लेडीज लोग गाड़ी में अकेली बैठी है, नहीं ऐसा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये सारे प्रिकॉशन स्टेप है,
गाड़ी में फ्यूल पूरा रखना, पंक्चर मत होने देना, होता है तो फिर इन्फ्लेटर रख लेना, सेफ्टी गियर गाड़ी में होने चाहिए, हेल्पलाइन नंबर कोई देख लो, अगर है तो कॉन्टेक्ट कर लो, नहीं है तो देखो एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, या भाई बिल्कुल ऐसा सुनसान रास्ता हो गया कोई है ही नहीं, लाइट्स ऑफ रखो, ये मंजीत का सजेशन था भाई, गाड़ी की लाइट बंद करो और सो जाओ, बिल्कुल सारी लाइट बंद, पता नहीं लगना चाहिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, क्योंकि सुनसान रास्ता है, इट्स नॉट सेफ एट ऑल, अगर फैमिली साथ है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। तो अगर जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो भाई मेरा तो सबसे यही होता है, जिस रास्ते डर है उस रास्ते जाओ ही मत, ऐसा नहीं है कि उस रास्ते जा रहे हैं कुछ आएगा तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं जाओ ही मत। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि खासकर घबरा जाते हैं लोग, लड़के सब घबरा जाते हैं, तो फर्स्ट एड किट एज ए सेफ्टी मेजर है, वो भी सेफ्टी गियर है, तो वो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, पानी की बोतल वगैरह आपकी गाड़ी में होने चाहिए, और बस यही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, प्रिकॉशंस लेने होते हैं, ठीक कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भी ठीक है, बस इन चीजों को आपने जो है दिमाग में आप रखिए इन चीजों को। अगर गाड़ी खराब हो जाती है, नहीं समझ आता किस वजह से खराब हुई है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि गाड़ी एक चलते चलते किस वजह से खराब हो सकती है, क्या उसके सोल्यूशन होते हैं, उस वीडियो का ऊपर लिंक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ट्रस्ट मी सच में अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, और इस वीडियो को जाके देख लेना कि किन वजह से गाड़ी खराब होती है, क्या स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी डेड है, या और कोई माल फंक्शनिंग हो गई है गाड़ी के अंदर, तो कैसे उसे ठीक करना है, उस वीडियो का लिंक ऊपर है। इस वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन चीजों का ध्यान रखना, पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो याद रखना। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।